नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंपल टेक सपोर्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा WhatsApp स्टिकर के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता चली गया होगा कि WhatsApp पर हम खुद के भी स्टिकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि वो बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप विदाउट बैकग्राउंड को रिमूव करें भी कोई भी WhatsApp स्टिकर को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने सेल्फी ली है और सेल्फी लेने के बाद भी मैंने इसको सेंड करा है एज अ स्टिकर। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आया है वो WhatsApp पर अपना वीटा वर्जन पर जा सकते हैं, लेकिन वीटा वर्जन आपको नहीं मिलेगा तो आपको डायरेक्टली गूगल पर सर्च करना है WhatsApp वीटा और वहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप WhatsApp के जैसे वीटा टेस्टर बन जाओगे तो आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं जाता हूँ अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमोजी का GIF और उसके बगल में देखोगे आप स्टिकर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये स्टिकर के ऑप्शन होते हैं और ये आसानी से आपको मिल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक एप्लीकेशन है वो भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको बस टाइप कर देना है पर्सनल स्टिकर फॉर WhatsApp और यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन बहुत छोटी एप्लीकेशन है, 2 MB की एप्लीकेशन है। इसके बाद आप किसी भी फोटो को, चाहे आपकी इमेज हो, आपकी सेल्फी हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसे मान के चलिए अभी मेरा जी फ़ोन है और जहाँ पर मैंने अभी सेल्फी वगैरह ली थी कुछ, तो मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर पर। तो मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर पर और यहाँ पर मैं वो फोटो सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने अभी सेल्फी ली थी। तो मैं अभी जाता हूँ DCIM पे और कैमरे पे और जहाँ पर देखोगे मेरे पास काफ़ी सारे फोटो हैं। एक्चुअली जो WhatsApp है जी PNG फाइल को सपोर्ट करता है, तो जैसे मेरे पास अभी मैंने फोटो जो खींचा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जी, मैंने अभी सेल्फी ली है। ठीक है, और ये जो मैंने सेल्फी ली है ये मेरी JPG है, आप देख सकते हो इसका जो एक्सटेंशन है वो JPG है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अपनी इंटरनल मेमोरी की किसी भी फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपकी फ़ोन मेमोरी में ही ये पेस्ट होना है, हालांकि मैंने एक्सटर्नल मेमोरी पर करके नहीं देखा, लेकिन आपको इंटरनल मेमोरी में ही करना पड़ेगा क्योंकि जो एप्लीकेशन है उसकी जो सेटिंग्स है वो इंटरनल मेमोरी को डिटेक्ट करती है। तो फ़ोन स्टोरेज पर मैं जाता हूँ और फ़ोन स्टोरेज पर जाने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है पिक्चर्स का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। PicsArt का मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। आप किसी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास नीचे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ये पेस्ट कर दी, लेकिन अभी जो मेरी फाइल है वो JPG है तो मुझे इसको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रिनेम करूँगा इसको, रिनेम करने के बाद मुझे बस यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद मैं अभी बैक करता हूँ, उसको डाल देता हूँ PNG। ठीक है, बस मुझे इसको फिर सेव कर देना है। तो यहाँ पर पूछेगा कि इस फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डबल सेव कर सकते हैं। तो अभी जो मेरी फाइल है वो अभी मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो मेरी फाइल है ये मेरी हो चुकी है अभी PNG फाइल, और अभी जो मेरी ये फाइल है ये मेरी पहुँच चुकी होगी मेरे WhatsApp पर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है, आपको WhatsApp वाला जो आपने इंस्टॉल करा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह खुलेगा। मान के चलिए आपका इरेजर जो मेरा फोल्डर है उसमें मेरे काफ़ी सारे जो स्टिकर है PNG फाइल है वो मेरी यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं बस सिंपली उसको ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास 2 WhatsApp चलते हैं तो मुझसे पूछ रहा है, अदरवाइज आपका अगर एक ही WhatsApp तो आपको एक ही ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका टिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी अपना जो फोटो लिया था, जो मैंने अभी क्लिक करा था, वो मेरा जो फोटो है वो PicsArt में ही सेव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेव हो चुका है। तो अभी मैं चलता हूँ WhatsApp पर और WhatsApp पर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो अभी हम चलते हैं WhatsApp पर, आप देख सकते हो नीचे मैं जाता हूँ स्टिकर पर, और स्टिकर पर जाने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये ऑप्शन है PicsArt वाला, अभी मैंने 2 ऐड करे हैं, एक जी ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हो कि नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मेरा फोटो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट एज अ स्टिकर सेंड हो गया है। तो इसी तरह आप भी किसी भी फोटो को, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका वो बैकग्राउंड में हटाना है नहीं हटाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी भी बैकग्राउंड इमेज को हटाने के लिए, तो आपके पास ये एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है आपका बैकग्राउंड इरेजर। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बस आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इसमें आप मैनुअल आप किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह रिमूव करके सेव कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने सेल्फी ली और मुझे फिर बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सिंपली किसी भी फोटो को आप भेज सकते हैं, उसका जो एक्सटेंशन है उसको आपको PNG करना है, और मैंने वो आपको बता दिया वो कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को, जिससे और लोगों को इसका पता चल सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।